कलर, गैस बैलून, चेयर, जेल एस्केप। चरलेपल्ली नाम का एक जेल था, उस जेल में जग्गू नाम का एक चोर कैद था। जग्गू ने बहुत सारे जुर्म किए थे, इसीलिए वो जेल में था। उसने बहुत बार जेल से भागने की कोशिश की, हर बार पकड़ा गया। लेकिन जग्गू ने जेल से भागने की कोशिश को जारी रखा। एक दिन उसके साथी कैदी जग्गू से, अरे भाया, तुम हमेशा जेल से भागने की कोशिश करते रहते हो, हर बार पकड़े जाते हो, भाई तुम थके नहीं ऐसी कोशिश करते रहने से? तब जग्गू, अरे भैया, मैंने जो चोरियां की हैं, लूटे हैं पैसे, सब मैंने अपने पुराने घर में छुपा कर रखा है। इससे पहले कि उन पैसों के साथ मैं मौज करता, पुलिस ने आकर मुझे दबोच लिया। तब उसका साथी कैदी, अरे भैया, तुमने ऐसा क्या बड़ा गुनाह कर दिया जिसके लिए तुम्हें इतनी लंबी सजा मिली है? तब जग्गू, अरे कोई खास बात नहीं भाई, एक बार एक बूढ़ा आदमी बैंक से पैसे निकाल कर उसे गठरी में बांध कर ले जा रहा था। मैंने कहा, भाई साहब, आप अकेले इतना बोझ क्यों उठा रहे हैं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, और मैंने उठा लिया। लेकिन वो सुना नहीं, तो मैंने जबरदस्ती उसके हाथ से वो बैग छीन लिया और उसे जोर से धक्का देकर वहाँ से चलता बना। बस वो बूढ़ा वहीं गिरा, सर पर चोट लगी और सीधा स्वर्ग से धर गया। अब जब बूढ़ा ही मर गया तो मैंने सोचा इन पैसों का वो क्या करेगा, इसलिए मैंने वो पैसे रख लिए। बस पुलिस मुझे ढूंढती हुई आई और मुझे पकड़ लिया। मैंने बहुत सारी चोरियां की, लेकिन सोचा एक बहुत बड़ा हाथ मारकर मैं भी अब पॉलिटिशियन बन जाऊंगा और नेता बन जाऊंगा, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही मुझे पकड़ लिया। जब उस कैदी को पता चला कि जग्गू ने खून किया है, तो वो जग्गू से दूर रहने लगा। तब जग्गू मुझे उपदेश देता है, अरे बच्चू, ये नहीं जानता कि मैं कितना क्रूर आदमी हूँ। पता चला है कि इस बार जेलर अपना जन्मदिन जेल में ही मना रहा है, तो मुझे बढ़िया सा प्लान बनाना होगा यहाँ से भागने के लिए। ऐसा सोचा। वहाँ जेल में सब कैदी मिलकर जेलर के बर्थडे के लिए पूरा जेल को सजाने लगे। तब जग्गू जेलर से, आप आज शाम को आपके जन्मदिन के अवसर पर केक कटिंग तो होगा ना? मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है साहब, जिससे आप और सारे कैदी आपके जन्मदिन को याद रखेंगे हमेशा। क्यों, आइडिया मैं आपको बताऊं? तब जेलर, अरे भाई, मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे, मैं इसी बदलाव के लिए इतने साल इंतजार कर रहा था भैया। यूं तुम्हारे इस बदलाव के लिए वेट करते करते मेरा वेट भी बढ़ गया है। चलो शाबाश, बताओ वो क्या आइडिया है? तब जग्गू, अब हम आपके जन्मदिन के अवसर पर हीलियम बैलून से पूरे जेल को सजाएंगे। हम कुर्सियाँ, मेज, सबके साथ बैलून को बांध देंगे सर, बहुत सुंदर दिखेगा। बाद में उन गुब्बारों को हम हवा में उड़ा देंगे साहब, देखने में भी बड़े सुंदर दिखेंगे। तब जेलर, अरे वाह, क्या कमाल का आइडिया बताया जग्गू तुमने। ठीक है, मैं हीलियम गैस और रंगीन गुब्बारे मंगवाता हूँ। अब तुम्ही को वो सब देखना होगा, बैलून में हवा भरने के, गुब्बारों को हवा में उड़ाने का सारा इंतजाम तुम्हें ही करना होगा। लेकिन ये एक बात याद रखना जग्गू, अगर तुमने ये सारा प्लान यहाँ से भागने के लिए बनाया है, तो बच्चू मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। वैसे भी मेरा रिटायरमेंट का टाइम हो गया है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हें मारने के जुर्म में मुझे सस्पेंड कर देंगे, बस, समझे? तब जग्गू ने ठीक है कहकर सर हिलाया। तो इस तरह जेल के अंदर हीलियम गैस के सिलेंडर्स मंगवाए गए। सब कैदियों ने मिलकर उस गैस सिलेंडर की मदद से गुब्बारों में हवा भरने लगे। तब जग्गू ने फैसला किया कि वो अपने प्लान को अमल में लाएगा। यूं अपने प्लान के मुताबिक उसने उस कुर्सी के साथ गुब्बारों को बांध दिया जिसमें जेलर बैठने वाला था। तभी वो कैदी आया और जग्गू से, अरे क्यों भैया, तुम ये गुब्बारे कुर्सी के साथ क्यों बांध रहे हो, कहीं भागने का प्लान बनाया है क्या? तब जग्गू, हाँ भैया, ये हीलियम गैस के गुब्बारे हैं, अगर एक दो कुर्सी के साथ बांध दिया तो कुर्सी अपने आप हवा में उठेगी, लेकिन मैं कुर्सी के साथ 20 गुब्बारे बांधने वाला हूँ, तो कुर्सी में आदमी भी बैठेगा तो भी हवा में उड़ेगा। मैं इन गुब्बारों को कुर्सी के साथ बांध कर कुर्सी में बैठ के हवा में उड़ जाऊंगा। अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हारा खून करके फिर से जेल में आ जाऊंगा। इस तरह जग्गू ने उस कुर्सी के साथ बहुत सारे गुब्बारे बांधे और कुर्सी को हवा में उड़ाया। उसने अपने हाथ में कई गुब्बारे पकड़े और कुर्सी में बैठ गया। यूं धीरे धीरे वो कुर्सी हवा में उठने लगा।
जैसे ही कुर्सी जेल के ऊपर उड़ने लगी तो जेलर ने ऊपर देखा कि जग्गू हवा में उड़ रहा है। जग्गू ने जेलर को देखा और उसका मजाक उड़ाने लगा, जोर से हंसने लगा। वो खूब ऊंचाई में उड़ने लगा। तभी वहाँ एक पक्षियों का झुंड आया। वे पक्षियां गुब्बारों पर चोंच मारने लगी। जैसे ही सारे गुब्बारे फूटे, जग्गू सीधा जमीन पर आया, जेलर के पैर के पास आ गिरा। जेलर ने उसे पकड़कर खूब मारा। जग्गू का साथी कैदी जेल से छूटा और जग्गू के बताए हुए एड्रेस पर गया और पैसे निकाले और खूब मजे से जिंदगी को काटने लगा।